हेलो एवरीवन, वेलकम टू भटनीर आईएएस। भटनीर आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री, ऐसी वुमेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने बेसिकली जो इम्पोर्टेंट वुमेन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, फिर उसके बाद रजिया सुल्ताना, नूर जहाँ हो गई, हमारे पास मुमताज महल हो गई, इन सब के बारे में आपने बेसिकली जो है वो पढ़ रखा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी अनसंग वुमेन हैं जिनका पार्टिसिपेशन, बोलते हैं ना कि एक मकान बनाने के लिए ईंट के अलावा जो पत्थर बजरी की जरूरत पड़ती है हमें, सीमेंट की, उसको कोई नहीं देखता है। वैसे ही एक मूवमेंट चलाने के लिए जो हर चीज, मतलब जो छोटा छोटा पार्टिसिपेशन होता है हर किसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको हम बोल सकते हैं अनसंग हीरो ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और मे बी आप बोल सकते हो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे हम कुछ उन महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपने जनवरी में एक कॉमिक्स आई थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उस कॉमिक्स में जो है वो सारा कुछ बताया गया है कि जो अनसंग वुमेन फ्रीडम फाइटर थी उनके बारे में जो है वो दिया गया है, ठीक है। अगर हुआ तो हम आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, अदरवाइज मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। मे बी यूपीएससी, मे बी और मे बी 100% हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाएगी उठाएगी, मे बी कोई वुमेन फ्रीडम फाइटर, उसके बारे में, उनके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं कि कौन सी वुमेन फ्रीडम फाइटर थी जो कि यूपीएससी जहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर जो थी, जिनका जिक्र ऐसे नहीं होता है, उनके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। आई होप कि आप ये लेक्चर एंजॉय करोगे और आपके लिए ये लेक्चर जो है वो बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो आज का जो पहली जो हमारे पास लेडी है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज हमारे पास रानी अबाका, ठीक है। रानी अबाका जो थी हमारे पास, ठीक है, ये लेडीज हैं कुछ हमारे पास, रानी अबाका, बेलू नचियार, झलकारी बाई, मतंगिनी हजारा, गुलाब कौर और चकली इलामा, ठीक है। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगी मैं कि ये दो लेक्चर में मैं ये सीरीज कंप्लीट कर दूं, क्योंकि आपका प्री भी आने वाला है यूपीएससी का, और ये मेंस के लिए भी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें, जो कि आपको जो है वो हर जगह काम आएंगी, ठीक है। आप जो भी तैयारी कर रहे हो हिस्ट्री की, तो उसमें आपके ये काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दैट इज रानी अबाका के बारे में। रानी अबाका जो है वो कहाँ की रानी थी, क्या थी, ये सब आप बोल सकते हो कि जो फॉरेन इन्वेजन हो रहा था, पुर्तगीज इन्वेजन जो हमारे इंडिया पे हुआ था स्टार्टिंग में, जब हमारे पास वास्को डी गामा आए थे इंडिया, तो वो कैलिकट में आए थे, फिर वो गोवा में चले गए थे, तो यहीं पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये रानी आती है अबाका, ठीक है। इनका जो हमारे पास रीजन था दैट इज उलाल, ठीक है, उलाल रीजन है इनका, और उलाल रीजन जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, किसके लिए, पुर्तगीज के लिए। तो उस उलाल को पाने के लिए पुर्तगीज ने जो है वो इनपे, इनके स्टेट पे जो है वो बहुत बार जो है वो हमला किया। तो ये जो है ये चीज आज हम देखेंगे कि रानी अबाका क्या थी, कौन थी, कहाँ की बेटी थी, क्या नहीं था, ठीक है। इनके बारे में यहाँ पे हमारे पास दे रखा है सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार हम इन्हें देखते हैं कि रानी अबाका जो थी बिलोंग टू द चौबाता डायनेस्टी, ठीक है, चौबाता डायनेस्टी जो थी उनको बिलोंग करती थी ये। इसके अलावा हमारे पास दिया है कि वो कहाँ पे, कोस्टल, जो ये हमारे पास एरिया है इंडिया का, जो कोस्टल पार्ट है, कैलिकट, गोवा, इसके बीच वाला जो एरिया है, यहाँ के रीजन की ये रानी थी, ठीक है। शी वॉज पॉपुलर एज अभाया रानी फॉर हर फेयर्स एंड फेस्टी नेचर। ये बहुत ही अलग नेचर की थी, इवन इनको हथियार चलाना हर चीज में इनका इंटरेस्ट होता था, और ये जो है हर लैंग्वेज में जो है ये, मतलब वो थी, हर लैंग्वेज इनको आती थी पढ़ने की कोशिश, हर जगह ये कोशिश करती रहती थी कि उनको हर एक लैंग्वेज जो है वो आए, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे कि रानी अबाका का जो है वो शादी हो गई उलाल में। जब शादी हो गई इनकी उलाल में, तो वहां के जो राजा है और इनके जो पिताजी है, मैट्रिमोनियल अलायंस के अकॉर्डिंगली शादी हुई थी कि हमारा जो है वो एरिया बढ़ जाए, तो उस अकॉर्डिंगली जो है वो शादी हुई थी। शादी होने के बाद जो है ये आप बोल सकते हो कि जहाँ पे ये रहती थी वहां का जो एरिया था, उसका जो राजा था, इसके जो घर वाले थे, वो
घरवाला था वो इसके साथ इतनी अच्छी बना के नहीं रखता था, मतलब इसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन जो रानी अबाका है ये मतलब काफी वो थी, इनको ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स नहीं सॉरी, यहाँ पे पुर्तगीज आए थे पहले, तो इनको पुर्तगीज जो थे वो पसंद नहीं थे बिल्कुल। क्योंकि पुर्तगीज क्या करते थे, वो चाहते थे कि ये जो कोस्ट है, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, इस पे हमारा अधिकार हो, और यहाँ से हमारे ही जहाज जो है वो क्या करें, ट्रांसपोर्ट जो है वो सारा चीज जो है, जो भी ट्रेड हो रहा है वो सब हमारा हो। तो पुर्तगीज जो है वो हमला कर देते थे इनके जहाजों पे। तो ये जो थी रानी अबाका, ये जो देखती थी खुद जाके, खुद इसके जो थे ट्रेड था ईरानों के साथ यहाँ पे, तो ये ट्रेड वगैरह यहाँ पे करती थी, और यहाँ पे पुर्तगीज के जो हमलावर थे उनसे भी बच के जो है वो ट्रेड वगैरह करना इसने कभी रोका नहीं, तो ये करती रही। जमोरियन जो था एक किंग, आपको पता है जमोरियन जो था, तो वो जो था किंग वो भी इसका साथ देता है, और ये जो है पुर्तगीज हमले से अपने उलाल को जो है बचाती है। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि इसका जो घरवाला है वो इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो पुर्तगीज को बता देता है, और पुर्तगीज जो है वो इसको मतलब ये युद्ध हार जाती है, और बाद में जो है वो आप बोल सकते हो कि इसका उलाल जो है वो इनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इनके बारे में कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आप बताती हूँ कि ये पहली लेडी थी जिसने मतलब एक रिवोल्ट लड़ा था पुर्तगीज के अगेंस्ट, पहली रानी आप बोल सकते हो, पहली फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम के लिए। शी वाज गिवन द नेम द फियरलेस क्वीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात। हर लेगेसी नाउ लिव लाइव्स ऑन द दक्षिण कर्नाटका इन द फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग के जरिए या यक्षगान के जरिए, स्टोरीज के जरिए, परफॉर्मेंस के जरिए इनकी गाथाएं जो हैं वो सुनाई जाती हैं थिएटर में, ठीक है। तुल्लु बुदकू म्यूजियम जो है वो इनके लिए बना है, मेमोरियल, ठीक है। इसके अलावा जो एक इनशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास एक जहाज है जो कि वहां पे इनशोर जो है मतलब एक वेसल है जो देखता है हर जगह पे, नजर रखता है इंडियन नेवी का, वो इनके नाम पे है, रानी अबाका के नाम पे, ठीक है। वीरा रानी अबाका उत्सव जो है वो एनुअली सेलिब्रेट होता है हर इनके नाम पे। वीरा रानी अबाका प्रशस्ति जो है एन अवार्ड गिवन टू डिस्टिंग्विश वुमेन ऑन दैट डे, ठीक है, इस डे पे जो है वो एक अवार्ड दिया जाता है, दैट इज वीरा रानी अबाका प्रशस्ति। इनके नाम पे जो है एक पोस्टर स्टैम्प भी है, इनके नाम पे मैंने बताया शिप भी है, इनशोर व्हीकल जो है हमारे पास वो भी है, ठीक है, वेसल। तो ये सब चीजें जो है इनकी उपलब्धियां हैं। तो ये फर्स्ट आप बोल सकते हो फ्रीडम फाइटर थी हमारी, ठीक है, जो कि लड़ी थी फ्रीडम मूवमेंट में, इन्होंने सबसे पहले अपना योगदान दिया था। लेकिन ये लड़ी, अगर यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ब्रिटिशर्स, तो नहीं, ये पुर्तगीज के अगेंस्ट लड़ी थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, दैट इज बेलू नचियार। ये अगर आपको आए तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वीन टू हैव एक्टिवली अपोज ब्रिटिश रूल, जिसने जो है बहुत अच्छे से जो है वो ब्रिटिश रूल को अपोज किया था, ये थी बेलू नचियार, ठीक है। इनके बारे में आपको बोल सकते हैं कि ब्रिटिश के लिए जो है वो पहली लड़ने वाली रानी थी ये, ठीक है। तो ये जो थी, इन्होंने जो है आप बोल सकते हो कि इनका जो एरिया था शिवगंगई, ठीक है, उसका जो राज्य था वहां पे ब्रिटिशर्स ने जो है वो कब्जा कर लिया, और इनका पति, इनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये जो है अपनी बेटी के साथ जो है वो वहां से भाग गई। जब भाग गई तो इन्होंने जो है वो 8 वर्ष जो है वो अपने सैनिकों के साथ और अपने कुछ वफादारों के साथ जो है वो जंगल में बिताया, और अपनी सेना इकट्ठी करी, और इन्होंने जो है वो हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता हैं उनके पास गई, और उनसे जो है इन्होंने प्योर उर्दू में बात करी। जब उन्होंने उर्दू में बात करी, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी योद्धा थी बेलू नचियार जो थी, एक बहुत ही अच्छी योद्धा थी आप बोल सकते हो, ये एक बहुत अच्छी मतलब पॉलिटिशियन भी थी, एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छी थी, इनको हर लैंग्वेज जो है वो मतलब अच्छे से आती थी, तमिल, तेलुगु, इवन की उर्दू भी। तो उर्दू लैंग्वेज में जब इन्होंने हैदर अली से बात करी तो हैदर अली इनसे बहुत इंप्रेस हुआ, इनको अपने मतलब बहन मान लिया, बेटी मान लिया, और इनका जो है वो पूरा साथ दिया इन्होंने ब्रिटिशर्स को खदेड़ने में। अपने सैनिकों को लेके ये जो है वो अपने किले की तरफ चल पड़ी, और इन्होंने जो है वो अपने किले की तरफ जाने के लिए इनकी एक मतलब आप बोल सकते हो गवर्नर थी, लेडी ही थी वो, उनके साथ लिया, मतलब इनकी एक गवर्नर लेडी थी, उन्होंने क्या किया
विजयदशमी का दिन था, ये जो है वो किले के अंदर गए, क्योंकि उस दिन जो है हर कोई जो था वो किले के अंदर जा सकता था, तो वो एक नॉर्मल लेडी बन के किले के अंदर गई। फिर इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने जो अपना बारूद वगैरह रखा हुआ था वहां पे जाके उन्होंने खुद को आग लगा ली और सारा बारूद जो है वो खत्म कर दिया। और इसी तरह जो है वेलू नचियार जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने किले से भगाया और फिर से जो है वो शिव गंगई को अपने अंदर ले लिया। और फिर आप बोल सकते हो अपनी बेटी को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, और मतलब थोड़े दिनों बाद जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन बहुत ही अच्छी सोल्जर जो थी ये थी, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक आप बोल सकते हो कि एक बहुत एक्टिवली जो है वो लड़ी थी। तो ये आप बोल सकते हो कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी, आप ऐसे बोल सकते हो, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत एक्टिवली जो है वो ये लड़ी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज झलकारी बाई। झलकारी बाई का नाम जो है वो रानी लक्ष्मी बाई के साथ आपने बहुत बार, अब तो बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, पहले इन चीजों को नहीं दिखाया जाता था कि झलकारी बाई कौन है क्या नहीं है। झलकारी बाई एक दलित वुमेन थी। ठीक है, इनका जन्म जो है जब हुआ था तो इनकी माता का जो है वो देहांत हो गया था। जब इनकी माता का देहांत हो गया तो इनके पिता ने इनको एक लड़के की तरह पाला पोसा और इनको जो है वो सारी विद्याएं सिखाई, सारा लड़ना झगड़ना सब चीजें इनको सिखाई। जब ये थोड़ी बड़ी हुई, इनकी जो ये सारी प्रतिभाएं थी ये देख के जो है इनकी शादी जो है वो एक सैनिक से हुई, जो कि एक मतलब जो झांसी की सेना में ही जो था एक अच्छी पोस्ट पे था, उनके साथ इनकी शादी हुई। जब इनकी शादी उस सैनिक मतलब उनके साथ हो गई जो आपके पास सैनिक था, तो ये जो है राजमहल में आना जाना हो गया इनका। तो ये जो है रानी जो लक्ष्मीबाई है उनसे पहली बार जो है ये कहाँ मिली थी, ये गौरी पूजन के दौरान उनसे मिली थी। ठीक है, गौरी पूजन में जब ये रानी लक्ष्मीबाई से मिली है हमारे पास, तब इन्होंने क्या किया है हमारे पास, उस टाइम पे ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ जब ये मिली तो इन्होंने एक दूसरे को देख के बहुत अचंभित हो गए। ठीक है, अचंभित क्यों हुए, अचंभित इसलिए हुए क्योंकि एक दूसरे से ये बहुत मेल खाती थी, इनकी शक्ल जो है वो एक दूसरे से बहुत मिलती थी। और इवन जब रानी लक्ष्मीबाई को पता चला कि ये बहुत अच्छी योद्धा हैं, कुशल योद्धा हैं, और तो रानी लक्ष्मीबाई ने इनको अपनी दुर्गा दल जो था, रानी लक्ष्मीबाई की एक अलग से आप बोल सकते हो सेना थी औरतों के लिए, उसका इनको कमांडर इन्होंने बता दिया। ठीक है, वुमेन आर्मी में इनको रख लिया और बाद में ये क्या बन गई थी, दुर्गा दल का कमांडर बन गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनकी पोजीशन जो है वो बड़ी होने लगी और ये एडवाइजर बन गई रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, उनमें इन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लेने में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत साथ दिया था। ठीक है, हुआ क्या था आपको बताती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ रही थी, जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से इनको घेर लिया था, ह्यूज रोज की जो फोर्स थी उसने पूरी तरह से घेर लिया था, और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो हेल्प की गुंजाइश कर रही थी कि पेशवा उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन पीछे से तांत्या टोपे भी हार चुके थे। तो यहाँ पे झलकारी बाई ने क्या किया कि रानी लक्ष्मी बाई के जैसे कपड़े पहन के जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने लग पड़ी, और ब्रिटिशर्स को इतना अचंभित किया, उनको लगा कि यही रानी लक्ष्मी बाई है और हमने रानी को घेर लिया है, और सारों का ध्यान अपनी तरफ ही आकर्षित कर लिया। और पीछे से जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपने बेटे को लेके वहां से भाग गई, भाग गई इन द सेंस कि अपने आप को छुपाया ताकि वो फिर से अंग्रेजों से लड़ सके और रानी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ ना लगे। तो झलकारी बाई ने जो है वो अपना आप जब उनको पूरी तरह से घेर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो उनको उन्होंने सोचा कि हमने रानी को ही घेर लिया है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि ये रानी नहीं है, तो फिर इनको जो है वो पकड़ लिया गया और इनको जेल में जो है वो रख लिया गया। और लेकिन किसी अंग्रेज ने इनके बारे में ये भी कहा था कि अगर एक भी मतलब 1% वुमेन जो है इंडिया की झलकारी बाई की तरह लड़ने लग पड़े तो हम तो 2 मिनट में मतलब हम तो जो है हमें यहाँ से भगा देंगे ये। तो ये चीज जो है वो इनके बारे में बोली गई थी। झलकारी बाई ने बहुत ही अच्छा मतलब आप बोल सकते हो कि प्रदर्शन किया और उसके बाद इनको फांसी भी दे दी गई थी। झलकारी बाई जो थी वो दलित फैमिली से थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, झलकारी बाई जो है वो रानी के साथ हर बैटल में लड़ने के लिए मतलब तैयार रहती थी, और इन्होंने जो है वो धोखा देके मतलब रानी लक्ष्मीबाई वहां से चली गई थी और इन्होंने ब्रिटिशर्स को धोखा दे दिया था।
ठीक है, बहुत सारे दलित कम्युनिटी जो है बुंदेलखंड रीजन की जो है वो इनको एक भगवान का ही एक प्रतिमा मानते हैं कि भगवान ही है हमारे लिए ये, और झलकारी बाई की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है, तो इनके ऑनर में ये सारी चीजें की जाती हैं। झलकारी बाई के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है मे बी, तो आप इसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिलती है वो आप देख लीजिए, बाकी मैंने यहाँ पे आपको डाल रखी है सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज योर मातंगी हाजरा, ठीक है, मातंगिनी हाजरा, ठीक है। मातंगिनी हाजरा कौन थी हमारे पास, देखो ये एक ऐसी लेडी थी, ठीक है, ये बंगाल से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसी लेडी थी जिनकी छोटी उम्र में शादी हो रखी थी। आप बोल सकते हो कि 12 साल की उम्र में इनकी शादी जो थी वो 62 साल के एक वृद्ध से हुई थी, और थोड़े ही दिनों में उसकी मृत्यु होने के कारण ये जो थी ये विधवा हो गई थी, ठीक है, मातंगिनी हाजरा। लेकिन इन्होंने जो है वो ये सोच के कि मैं विधवा हो गई हूँ अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है ये सब चीजें ना करके इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो गांधी जी की आइडियोलॉजी को अपनाया, और फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया। ये जो थी वो खुद चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, स्वदेशी मूवमेंट जब हुई थी हमारे पास तो इन्होंने जो है वो स्वदेशी गुड्स को जो है वो बहुत प्रमोट किया था, चरखा चला के, सूत काट के, इवन जो खादी की जो चीजें होती थी वो पहन के, खुद भी वो वैसे ही कपड़े पहन के लोगों को प्रोत्साहित करती थी कि आप गांधी जी का साथ दो। ये गांधी जी से तो मिली नहीं थी अभी तक, लेकिन इन्होंने गांधी जी की जो जो मूवमेंट थी वो अपनी तमलुक, जो इनका पुलिस स्टेशन है, जैसे पुलिस स्टेशन का नाम रखा है यहाँ पे, तमलुक जो जगह थी वहां से इन्होंने काफी, आप बोल सकते हो कि प्रोटेस्ट जो करते थे गांधी जी उनको उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वो हम देख लेते हैं। बाकी इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखो इन्होंने जो है वो क्विट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने अरेस्ट हुई थी, इन्होंने सॉल्ट लॉ जो ब्रेक किया था तो ये वहां भी अरेस्ट हुई थी। उसके बाद ये जो है इन्होंने दोबारा से 1935 में भी जब दंगे हो रहे थे थोड़े बहुत, तो इन्होंने जो है वो काले झंडे दिखाए थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो जो है वो अपनी मनमानी मर्जी कर रहे थे कोलकाता में, तो वहां पे ये अगेन अरेस्ट हुई थी। इसके बाद जो है आप बोल सकते हो जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है तब भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, गांधी जी ने इनको सबसे आगे वाली पंक्ति में रखा था, और इन्होंने जो है वो भारत का झंडा लिया हुआ था, और भारत का जो झंडा था उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तब भी इनको गोली लगी, फिर दूसरे हाथ में पकड़ा, दूसरे हाथ में गोली लगी, और फिर सिर पे गोली लग गई इनकी, और लेकिन इन्होंने जो है वो झंडा नीचे गिरने नहीं दिया जब तक इनकी सांस चल रही थी, ठीक है। तो इस तरह इनकी मृत्यु हुई थी। फिर इनके बाद जो है मतलब इनका ये साहस देख के, मतलब बहुत एज की हो गई थी ये, 1870 में इनका बर्थ हुआ था, तो सोचो 1942 में 70 और 72 इयर्स की एज में जो है वो इतना सामर्थ्य दिखाया था इन्होंने कि हर एक लेडी के अंदर जो है वो चिंगारी भड़की थी कि यार ये जो लेडी है इतनी उम्र में अगर ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इतना कर रही है तो हम क्यों नहीं। तो एक बहुत ही आप बोल सकते हो साहसी जो थी ये औरत थी, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया है, गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है वो उनका साथ दिया है, तमलुक पुलिस स्टेशन जो था वो याद रखना है आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में, उसके सामने इनकी डेथ हुई थी, और इनका अभी भी स्टैच्यू जो है वो तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने इनका स्टैच्यू जो है वो वहीं पे लगा हुआ है झंडा पकड़े हुए। उसका इनोग्रेशन जो है वो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, बाद में इनको जो है वो इनके नाम पे पोस्टर स्टैम्प जो है वो भी बनाई गई थी, ठीक है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, मातंगिनी हाजरा वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी हु पार्टिसिपेट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, अंटिल शी वॉज शॉट डेड बाय ब्रिटिश इंडियन पुलिस इन फ्रंट ऑफ तमलुक पुलिस स्टेशन ऑन 29 सितंबर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, इनको जो है वो गांधी बूढ़ी करके भी जाना जाता है, बंगाली फॉर ओल्ड लेडी गांधी बोलते हैं इनको। मातंगिनी हाजरा वॉज अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल हु लेड डाउन हर लाइफ वाइल एजिटेटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। इन 1905 शी बिकेम एक्टिवली इंटरेस्टेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एज गांधियन, गांधियन फिलोसफी को लेके चली थी ये, ठीक है।
1932 में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सॉल्ट लॉ ब्रेक करके अरेस्ट भी हो रखी थी। शी रिस्टोर टू स्पिनिंग खादी, जितनी भी बूढ़ी थी अपनी एज की वो कोई नहीं देखती थी, लेकिन ये स्पिन करती थी खादी। शी वाज फेमसली नोन एज गांधी बूढ़ी। ये इंपॉर्टेंट है, गांधी बूढ़ी किसको बोलते हैं? तो मातंगिनी हाजरा को बोला जाता है गांधी बूढ़ी। ठीक है, तमलुक पुलिस स्टेशन में जो है, आप बोल सकते हो तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने इनको जो है वो मारा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट थी या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ये अरेस्ट जरूर हुई थी, लेकिन जिनकी डेथ कब हुई है? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, 1942 के दौरान इन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था तब इनकी जो है वो डेथ हुई। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? हमारे पास मातंगिनी हाजरा के बारे में, जो कि बंगाल से रिलेट करती हैं, बंगाल से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट लेडीज जो हैं, दैट इज गुलाब कौर। ये पंजाब से हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। अब गुलाब कौर जो थी, ये भी आपको कहीं इतना नाम इनका सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम इनका नाम आपको सुनाएंगे और बताएंगे भी इनके बारे में। गुलाब कौर जो थी, जो ये एक फ्रीडम फाइटर थी, क्या हुआ था कि ये एक किसान फैमिली में जन्म लिया था इन्होंने। ठीक है, नॉर्मल एक, मतलब जिनको अपना खर्चा चलाने में भी मुश्किल आती है, दिक्कत आती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज इतनी हार्श थी कि आप इतने अच्छे से, अभी तो जमींदार देखो बहुत मजे से रहते हैं किसान कई, लेकिन कई जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनके पास इतना नहीं होता है कि वो अपने साल का खर्चा चला सके, उनको तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये जो थी एक ऐसी किसान फैमिली से बिलोंग करती थी कि जिनको दिक्कत आ रही थी अपना खर्चा भी चलाने में। फिर इनकी शादी करवा दी गई, और उनकी शादी जो है वो भी एक किसान से करवाई गई। तो फिर इनके पति और इन्होंने सोचा कि हम अपनी लाइफ को सही करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। तो ये अमेरिका उस टाइम पे जो है वो डायरेक्टली नहीं जाया जाता था। ठीक है, डायरेक्टली अगर कोई अमेरिका जाता था तो अमेरिका वाले उसको मतलब बाहर निकाल देते थे और उनको नहीं एंट्री देते थे। तो पहले हमें कहाँ जाना पड़ता था? आप देखो, आपको पहले मनीला जाना पड़ता है। मनीला कहाँ पे है? अब आप बोलोगे मनीला हमारे पास कहाँ पे है? आपको पता है ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ पे हमारे पास साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है, इंडोनेशिया फिलीपींस जाकर्ता, तो यहाँ पे है हमारे पास मनीला। ठीक है, फिलीपींस की आप बोल सकते हो कैपिटल। मनीला में जो है हमारे पास ये पहुंचे पहले, वहां पे पहुंच के फिलीपींस, फिलीपींस से इन्होंने फिर जहाज पकड़ा, और उस जहाज के थ्रू ये कहाँ पहुंचे? अमेरिका में पहुंचे। जब ये अमेरिका में पहुंचे तो वहां पे इन्होंने देखा कि गदर मूवमेंट जो है, गदर मूवमेंट स्टार्ट हो रखी थी। गदर की जो पार्टी थी वो लोग बहुत काम कर रहे थे कि इंडियन जो है, जो वर्कर्स थे, आपको मैं करवा चुकी हूँ गदर मूवमेंट के बारे में, कि जो वर्कर क्लास थी वो सारे, जो भी उनके साथ चीजें हो रही थी तो वो उनके खिलाफ जो है वो लड़ रहे थे। तो हर तरह गदर पार्टी का साथ देने, इन्होंने सोचा कि हम गदर पार्टी का साथ देंगे। तो इन्होंने और इनके पति जो थे, उन्होंने जो है वो गदर पार्टी के पास गए, उनके बोला कि हम भी जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं गदर पार्टी के, तो हमें भी जो है वो इसमें शामिल कर लीजिए। लेकिन जब ये सब चीजें हुई कि आपको ऐसे करके इंडियंस को जो है वो जगाना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी, और आपको इसमें आपकी जान भी जा सकती है, ये सब चीजें देखते हुए कि क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं, इनके पति जो है वो पीछे हट गए कि हम जो है वो नहीं करेंगे गदर पार्टी में पार्टिसिपेट, रहने दो, छोड़ो। लेकिन इन्होंने जो है वो अपना वचन रखा और इन्होंने पीछे नहीं हटी, और इन्होंने जो है वो गदर पार्टी की एक एक्टिव मेंबर बनी। इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों को बताया कि क्या चीजें हो रही हैं इंडिया में, और बाहर से जो है वो, आप बोल सकते हो कि बाहर से मूवमेंट स्टार्ट रखी। बाहर से मूवमेंट स्टार्ट रखते रखते फिर जो ये जो है वो इंडिया वापस आ गई। इंडिया में जब ये वापस आ गई तो ये वहाँ इंडिया होशियारपुर में ये रहने लगी। तो वहां पे भी इन्होंने गदर पार्टी की जो मूवमेंट्स थी उनको, ये क्या करती थी, जो शिप वगैरह गदर पार्टी के जाते थे उन शिप में स्पीचेस देती थी, गाने गाती थी, कविताएं सुनाती थी, लोगों को मतलब देशभक्ति जो है वो जगाती थी। तो इसी तरह इन्होंने पंजाब आके भी जो है वो यही काम जारी रखा। इन्होंने गदर मूवमेंट के जो मतलब जो भी मैगजीन आती थी उसको जो है वो प्रमोट किया, लोगों को बताया गदर पार्टी के बारे में। तो यहाँ पे भी ये लोगों को क्या कर रही है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए प्रोत्साहित कर रही है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उनका कर रहे हैं कि आप उनके उनसे समर्थन ले रही है। तो जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चलती है, ब्रिटिश आर्मी को, पुलिस को ये बात पता चलती है, तो उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। आप बोल सकते हो कि
उनको जो है वो वहीं पे उन पे नजर रखी जाती है कि ये जो है वो कुछ ऐसा करे ना, ठीक है, तो इन पे नजर रखी जाती है। और फिर आप बोलोगे कि 1942 के दौरान जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। तो ये मतलब अपने ये अपने जो करियर था इनका उसमें इन्होंने काफी जो है वो गदर पार्टी का बहुत प्रोत्साहन किया था, क्योंकि गदर पार्टी थोड़े ही टाइम तक रही थी, फिर उसके बाद उनको भी मतलब गदर पार्टी भी मूवमेंट भी खत्म हो गई थी। तो ये फिर अपने आखिरी सांस तक आप बोल सकते हो कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है वो देखती सुनती रही कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन इनको जो है वो नजरबंद करके रखा हुआ था, तो दैट्स वाई कि इतना कुछ ही कर नहीं पाए। इनके बारे में हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए यहाँ पे गुलाब कौर वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर हु प्राइमली वर्क फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रिमोटली फ्रॉम मनीला फिलीपीन एंड वेंट ऑन द कंटिन्यू टू हर वर्क फ्रॉम इंडिया। पहले तो मनीला फिलीपीन से, फिर इंडिया से। गुलाब कौर वॉज अ फ्रीडम फाइटर विद द गदर पार्टी, ये याद रखना है आपको। शी वॉज इन चार्ज ऑफ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी लिटरेचर एंड वॉज ऑल्सो नॉन टू गिव स्पीचेज ऑन बोर्ड इन इंडियन पैसेंजर, ठीक है। गदर दी धी, ये पंजाबी वर्ड है, गदर दी धी, मतलब धी ती क्या होता है, ती होता है बेटी। गुलाब कौर इज अ बुक रिटन बाय एस केसर सिंह अबाउट गुलाब कौर, एस केसर सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है, गदर दी ती, दैट इज गुलाब कौर। तो गुलाब कौर कौन थी आपको पता चल गया। तो आपको यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि फिलीपीन अमेरिका यहाँ से किसने मूवमेंट चलाई थी, कौन लेडी थी, तो वो गुलाब कौर थी, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगी, दैट इज हमारे पास चकली इलामा। चकली इलामा जो है वो तेलंगाना, मतलब आप बोल सकते हो आंध्रा प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये, और इनके ऊपर जो है वो मूवीज वगैरह भी बनी है, लेकिन इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, और आपको कहीं हिंदी में इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने जमींदार जो थे वहां पे, जो मतलब लोकल लॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रखा था छोटे 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 किसानों को जो वहां पे वर्क करते थे, तो ये भी उनमें से एक थी। और इन्होंने जो है वो इन किसानों के इन सॉरी लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी, और इनको जो है वो इनकी सही जगह दिखाई कि भाई तुम कहाँ रिजाइड करते हो, तुम हो क्या चीज, ठीक है। तो इनके साथ लड़ी, और बाकी भी लोगों को जो है वो इन्होंने बहुत ज्यादा वो किया, मतलब कि आंखें खोली कि ये हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं जमींदार। तो दैट इज चकली इलामा, तेलंगाना में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाई थी इन्होंने, लेकिन किन के खिलाफ थी, दैट इज जमींदार और जो लैंडलॉर्ड थे जो इनको एक्सप्लॉइट करते थे उनके खिलाफ थी, ठीक है। इनके बारे में आप देख लीजिए एक बार क्या लिखा है। चकली इलामा वाज अ रेवोल्यूशनरी वुमेन हु फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ जमींदार ड्यूरिंग तेलंगाना रेबिलियन इन मिड 1940। शी वाज अ मेंबर ऑफ आंध्र महासभा। शी इज वन ऑफ फर्स्ट वुमेन टू डिसमेंटल द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यूडल लॉर्ड ऑफ तेलंगाना एंड हैज इंस्पायर्ड वेरियस वुमेन टू फाइट फॉर देयर लैंड एंड डिग्निटी। सभी वुमेन्स को इन्होंने क्या किया था, इंस्पायर किया था कि अपनी लैंड और उसके लिए आप लड़ो, आपकी डिग्निटी के लिए लड़ो। तो ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने जो फ्यूडल लॉर्ड थे तेलंगाना के उनके खिलाफ जो है वो आवाज उठाई है, दैट इज चकली इलामा, ठीक है। आज हमने जिन लेडीज के बारे में पढ़ा है वो बहुत मतलब उनके बारे में बताया नहीं जाता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से कि क्या है, और इसके साथ साथ अभी बाकी जो लेडीज हैं जैसे यहाँ पे दिया है मृदुला साराभाई, दुर्गा भाई देशमुख, बसंती दास, कनकलता बरुआ, तारा रानी, इन सभी लेडीज के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में जो है वो डिटेल में बताऊंगी कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो आप हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में दिए हैं, और क्या क्या है। जितनी लेडीज मेरे से कवर हो पाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं वो पूरे कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ो नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी लेडीज क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर भी आपको रिवाइज करवा देती हूँ, हमने कौन कौन सी पढ़ी थी। हमने सबसे पहले रानी अबाका के बारे में पढ़ा, जिन्होंने पुर्तगीज के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट किया था, फर्स्ट आप बोल सकते हो फ्रीडम रिवोल्ट था, और वो जो था इन्वेडर के खिलाफ जो बाहर से आए थे, दैट इज यूरोपियन जो थे, ठीक है, पुर्तगीज, ठीक है। रानी अबाका साउथ की जो थी, ये उल्लाल जगह थी, वहां की रानी थी ये, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास बेलू नचियार थी, ये शिव गंगई की थी, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अगर आपको ये बोला जाए कि फर्स्ट लेडी लड़ी, वो नहीं बोल रही मैं, यूरोपियन के खिलाफ, पुर्तगीज के खिलाफ और उसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ, दैट इज बेलू नचियार, शिव गंगई की थी, तमिलनाडु की थी, इनका पूरा पूरा साथ दिया था हैदर अली ने, ठीक है। उसके बाद झलकारी बाई, झांसी की रानी की सहायक सहायिका थी ये, इन्होंने अपना आप जो है वो सौंप के झांसी की रानी को बचाया था। उसके बाद मातंगिनी हाजरा, जिनको बूढ़ी गांधी के नाम से, गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो है वो सारे मूवमेंट जो गांधी जी चलाते थे उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, अपनी एज को देखते हुए भी इन्होंने पीछे नहीं हटे थे। उसके बाद गुलाब कौर, जो कि पंजाब से बिलोंग करती थी, इन्होंने बाहर जाके जो गदर मूवमेंट के साथ मिलके इंडिया में भी गदर मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट किया था, इनको गदर दी धी करके इन पे एक बुक लिखी गई है, दैट इज एस केसर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट इज चकली इनामा, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी, तेलंगाना की जो मूवमेंट थी हमारे पास, जो फ्यूडल लॉर्ड थे वहां के, उनके अगेंस्ट आवाज उठाने वाली पहली महिला थी चकली इनामा, ये आंध्र महासभा की भी मेंबर थी, और साथ ही साथ इन्होंने वुमेन्स को जो है वो अपनी डिग्निटी के लिए और अपनी लैंड के लिए लड़ने के लिए सिखाया था, ठीक है। कल के लेक्चर में हम बाकी की जो लेडीज बची हैं, एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा 26 जनवरी के दौरान जो है, 26 और यही टाइम था, इस टाइम पे जो है जो मैगजीन जो थी वो रिलीज हुई थी, और उस मैगजीन में जो जो लेडीज हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो उन लेडीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक और लेक्चर लगेगा इसके लिए, और मैं उनके बारे में सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बता दूंगी, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू सो मच।